स्वागत है आपका कंधाल एग्रो फार्म्स में। आज की वीडियो में हम ड्रैगन फ्रूट में जो नेमाटोड की प्रॉब्लम आती है उसके बारे में बात करेंगे। जो आप सामने प्लांट देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं कैसे इसका पूरा जो अंदर गुद्दा होता है, पल्प होती है, वो सूख चुका है और ये धीरे धीरे पूरा सूख रहा है। इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और धीरे धीरे ऐसे लग रहा है कि जैसे इसको गर्मी की वजह से पानी नहीं मिल रहा और ये पूरा सूखता जा रहा है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बिल्कुल सूख जाएगा। तो नेमाटोड की जो प्रॉब्लम है ड्रैगन फ्रूट में, उसके बारे में हम जो बात करेंगे, नेमाटोड क्या होते हैं, ये प्लांट को कैसे इफेक्ट करते हैं और इनका रोकथाम क्या है और इनका इलाज क्या है। नेमाटोड माइक्रोस्कोपिक वर्म्स होते हैं जो मिट्टी में पाए जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक मतलब अगर हम ऐसे देखेंगे तो हमें ये दिखेंगे नहीं, बहुत छोटे होते हैं और ये रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं। और बेसिकली जब रूट्स के ऊपर अटैक करते हैं तो रूट्स में जैसे गांठें बन जाती हैं, जैसे छोटे छोटे आलू या मूंगफली का दाना होता है वैसे रूट्स बन जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि जो प्लांट है वो अपना खाना ले नहीं सकता, तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है और न्यूट्रिशन मिलता नहीं उसको, धीरे धीरे वो प्लांट ख़त्म होने लग जाता है। नेमाटोड को रोकने के लिए फ्लोवापायराम का एक सॉल्ट होता है जो बेयर का वैलम प्राइम में है। इसको हमने रूट्स में ड्रेंच करना है 1 ml/L और हर पोल का 2 L लगेगा। इसको ड्रिप इरिगेशन के थ्रू भी दे सकते हैं या फिर जो स्प्रेयर होता है उससे भी डाल सकते हैं। ये जब मेडिसिन नीचे जाएगी तो जितना भी नेमाटोड है, जब वो उनको मेडिसिन के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो वो पैरालाइज हो जाएंगे और धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगे। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हमने एक दूसरा ट्रीटमेंट देना है थोड़े दिन बाद। ये फंगस होती है जो नेमाटोड्स को कंट्रोल करती है, ये होती है पिसलोमाइसिस लिलेसिनस, ये उत्कर्ष का ब्रांड है। जब ये हम फंगस को डालेंगे ड्रिप के थ्रू या स्प्रेयर के थ्रू, तो ये क्या करेगी, जो नेमाटोड के एग्स रह जाते हैं जो बाद में हैच होके और दोबारा रूट्स को डैमेज करेंगे, तो ये धीरे धीरे उनको ख़त्म कर देती है। तो दोबारा ट्रीटमेंट देने की ज़रूरत ना पड़े, इसलिए हमें ये दोनों ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, तभी जाके हमारा जो प्लांट है रिस्टोर होगा, रिकवर होगा और दोबारा से ग्रोथ लेने लगेगा। और जैसे ये आप सामने देख सकते हैं, ये हमारा बेयर वेलम प्राइम का एक बार ट्रीटमेंट हो चुका है, उससे काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और प्लांट में दोबारा ग्रीनिश कलर आ गया है और धीरे धीरे पल्प भी गेन हो रही है और इसकी अच्छी ग्रोथ आ रही है। अभी एक बार ही इसका एप्लीकेशन किया और बहुत अच्छा रिजल्ट आया, ये तकरीबन 10-15 दिन में बहुत अच्छा रिजल्ट दे दिया इसने। नहीं तो मुझे तो लग रहा था कि ये प्लांट्स बचेंगे नहीं, उखाड़ने पड़ेंगे, दोबारा लगाने पड़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छा रिजल्ट आया इसका। और दूसरा जो उत्कर्ष नेमाटोड का जो हमने डोसेज दिया है तो उसका भी आपको दिखाऊंगा मैं, उसका उसके कैसा रिजल्ट आया है। आप देख सकते हैं कुछ प्लांट्स पे अभी भी ये पल्प गेन होनी रहती है, लेकिन 10-15 दिन में ये भी बहुत अच्छा गेन कर लेगा। और जितने भी फ्लावरिंग है और फ्रूट्स हैं ये आप रिमूव कर दीजिए, क्योंकि आपने जो डाला है नेमाटिसाइड वो केमिकल बेस्ड होता है और एक तरह का पॉइजन ही होता है, तो हमने इससे कोई भी फ्रूट नहीं लेना। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए दिखा रहा हूँ कि बहुत अच्छी इसकी रिकवरी है और फ्लावरिंग भी उठा ली, नहीं तो मुझे तो लग रहा था ये सूख जाएंगे। लेकिन हर 15 दिन के बाद मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ और बहुत अच्छा रिजल्ट है। जितने भी पल्प थी अच्छी गेन हो रही है और ब्रांचेस भी हार्ड हो गई हैं अब पहले से, नहीं तो बिल्कुल पीलेपन में आ गई थी और बहुत सॉफ्ट हो गई थी जैसे कागज़ होता है, लेकिन अब बिल्कुल हार्ड हो गई हैं दोबारा और ग्रोथ भी लेनी शुरू कर दी है उन्होंने। न्यू ब्रांचेज आ रही हैं और फ्लावरिंग आ रही है। ये बेयर का कंपनी का आता है और भी कई कंपनियों में आता है सॉल्ट, और आप अलग अलग कंपनियों में ट्राई कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है। ये आधा लीटर मुझे तकरीबन 4000 का मिला था और इसका एप्लीकेशन कम है, लेकिन एक पोल का ज़्यादा से ज़्यादा आपने 1 ml या 2 ml ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है इससे। इससे क्या होगा कि बहुत नेमाटोड कंट्रोल हो जाएंगे और आप जिन प्लांट्स के ऊपर आपको प्रॉब्लम लग रही है उसी पे डालना है, क्योंकि जब फ्रूटिंग सीजन होगा हम नहीं चाहते कि फ्रूट्स में इसका रेसिड्यू आए। और नहीं तो आप ये कर सकते हैं कि मार्च या अप्रैल में इसका ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जब आपका प्लांट फ्लावरिंग पे नहीं होगा तब आप इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ताकि फ्रूटिंग टाइम आपके प्लांट्स को नेमाटोड अटैक ना करें। और ये महीने बाद का अपडेट है पूरा,
इसमें क्या हुआ है कि अब प्लांट में बहुत अच्छी ग्रोथ आ रही है, फ्लावरिंग अच्छे से डेवलप हो रही है और न्यू ब्रांचेस आ रही हैं और लीव्स जो हैं पूरे हार्ड हो गए हैं। ये जो बेयर का वेलम प्राइम प्रोडक्ट है, ये आपने कब यूज़ करना है? ये सबसे पहले आपने यूज़ करना है जब न्यू प्लांटेशन करनी है, सो डैट जब आपके न्यू प्लांट्स लगेंगे तो उसमें नीमाटोड का अटैक ना हो। और दूसरी बार आपने तब यूज़ करना है जब आपके प्लांट्स में सिम्टम आएंगे नीमाटोड के, तब आपने यूज़ करना है इसको। और बाकी के टाइम आपने ये कंपनी का नीमाटोज पी है ये यूज़ करना है। ये अच्छी वाली फंगस होती है जो नीमाटेसाइड का काम करती है। ये आपकी सॉइल में जो नीमाटोड की पॉपुलेशन को कंट्रोल करेगी और जो आगे फ्यूचर में कोई अटैक होना होगा तो वो बिल्कुल रोक देगी। तो आपने नॉर्मली जो प्रोडक्ट यूज़ करना है रेगुलर वाला, यो ये कंपनी का करना है। उससे क्या होगा, एक तो ये सॉइल में जो फंगस की ग्रोथ है वो बढ़ाएगी जो नीमाटोड को कंट्रोल करती है। तो हमने हमेशा महंगे प्रोडक्ट पे नहीं जाना, जो बेयर का वेलम प्राइम है हमने तभी यूज़ करना है जब हमारे प्लांट्स को नीमाटोड का अटैक हो गया है, क्योंकि वो तब बहुत जल्दी रिकवरी देगा। और उसके बाद हमने ये वाला प्रोडक्ट उत्कर्ष का नीमाटोज पी यूज़ करना है। तो अगर आपको कोई भी और डाउट है ड्रैगन फ्रूट के प्लांटेशन के पेस्ट के रिगार्डिंग या फंगस के रिगार्डिंग या कोई भी प्लांटेशन के रिगार्डिंग, तो आप जब मर्जी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हमें आपकी मदद करने में बहुत खुशी होगी। तब तक धन्यवाद, थैंक यू।